महीना में यहाँ 2-3 बार गाड़ी पलट जा रहा है और डिवाइडर के या तो तोड़ के हटाया जाए, नहीं तो इसके आगे ठोकर बनाया जाए, ठीक है। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हम लोग इसके लिए धरना पर बैठेंगे या धरना देंगे और धरना दे करके इसको तोड़वाएंगे इस डिवाइडर को, काहे कि इसे बहुत क्षति हो रहा है। जब से डिवाइडर बना हुआ है इस डिवाइडर से आने वाली जितने भी गाड़ी आती है एक्सीडेंट बराबर होते रहता है, बराबर होते रहता है। दोनों बगल में दाहिने बाएं घर है, घर के अगल बगल में लोग सोए रहते हैं, ना जाने कब खतरा हो जाए, इसके चिंता में घर वाले लोग रहते हैं। डर में इतना जोरदार तक्कड़ हुआ जिसमें ड्राइवर को हम लोग जान बचाने के लिए दौड़ कराए और ड्राइवर को खींच खाच निकाले, जो भी शीशा सा तोड़ ताड़ के निकाला गया। हम मांग करेंगे प्रशासन से, वीडियो साहब से, सीओ साहब से कि कृपया या तो डिवाइडर हटा दिया जाए या नहीं तो थोड़ा आगे चलकर स्पीड ब्रेकर का, स्पीड ब्रेकर जो होता है उसका आप लोग निर्माण किया। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे 1 बजे के लपेट में इस घटना हुई है और घटना एक काफ़ी 1 महीने में 2-3 बार यहाँ पे घटना देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जब भी पलटता है तो यहाँ के निवासी लोग भी भयभीत रहते हैं इस बात को देख कर कि कहीं हम लोग के घर पे और किसी का जान का खतरा ना हो जाए। तो आप निवासी है, उनका मांग है कि इस डिवाइडर को हटाएं। और आप लोग देख सकते हैं कि बारिश भी चालू हो चुकी है और बारिश मौसम रिमझिम चल रहा है यहाँ पे। नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं TSF न्यूज और आज हम हरदिया मोड़ पे हैं और लगातार एक्सीडेंट यहाँ पे, ट्रक पलटना, मुर्गी की गाड़ी पलटना, काफ़ी यहाँ पे एक्सीडेंट देखने को मिलता है सिर्फ इस डिवाइडर की वजह से। डिवाइडर की तरफ कैमरामैन मैं बोलूँगा कि डिवाइडर को दिखाने के लिए, क्योंकि इस डिवाइडर की वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ के ग्रामवासियों को झेलना पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी नुकसान, इसके पहले बुलेरो भी पलटी हुई थी, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रक भी पलट चुकी है। ये इसलिए हो रहा है कि ये डिवाइडर जो है, डिवाइडर के ऊपर चढ़ता है गाड़ी और पलट जाता है। आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये डिवाइडर जो बनी हुई है, डिवाइडर ये जो बनी हुई है आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी, ये देखिए यही गाड़ी आ रही है, यही गाड़ी आ रही है, सीधा यहाँ से अगर कट अगर इधर नहीं मार रही है तो सीधा वो डिवाइडर पर चढ़ जाएगी और चढ़ने के बाद बेशक है कि पलटेगा गाड़ी। आप थोड़ा इधर से थोड़ा दिखाओ, इधर वो डिवाइडर आप लोग देख सकते हैं कि ये डिवाइडर जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है वहाँ से बनना चाहिए, जो नहीं बना हुआ है और सीधा जो ड्राइवर देखता है लो कि सीधा मतलब यहाँ से आएगा कोई भी गाड़ी सीधा, जैसे देखिए यहाँ पे बिहार सरकार की गाड़ी आ रही है तो सीधा आएगी तो सीधा डिवाइडर पर चढ़ेगी, परफेक्ट है। इसके लिए ड्राइवर से हम लोग बात करेंगे आखिर क्या इसमें कुछ हुआ था। तो मान रहे हैं कि हम लोग ये ना जो बीच में पट्टी लगाई गई है उसको तो देखा चला ना, बारिश का मौसम है, आधी आ गई, कोई अंधेरा आ गया, कोई आगे से आ गया, देखिए इसको डिवाइडर का देखिए इतना हाइट होना नहीं चाहिए इसको। नहीं, हाइट तो बराबर है, अब आप रेक के लिए बोल रहे हैं तो हाँ, किसी बात है और रेक से सीधा सीधा आ रहे हैं, सीधा सीधा दारू वारू नहीं ना? नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, वाकई इनके मुंह से वास भी नहीं आ रही है, महक भी नहीं आ रही है दारू की, इन्होंने दारू नहीं पिया है। वैसा वही बात है, आज से कुछ दिन पहले बस पलटी हुई थी जो नेपाल जा रही थी, उस बस में काफ़ी मतलब मरीज थे, आँख बनवाने के लिए गए हुए थे, वो भी बस पलटी उसी वजह से, जो कि यहाँ पे अच्छे से ये चीज़ को लाइनिंग जिस तरह से बननी चाहिए उस तरह से लाइनिंग नहीं बनी हुई है। उसके बाद काफ़ी घटना देखने को मिला इस डिवाइडर के वजह से, जैसे बलेरो पलटी हुई थी, बलेरो ने सीधा सभी दुकानों पे चढ़ा दी और ये घटना इसलिए सिर्फ होती है, इसका रीज़न एक ही है, जो डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर चढ़ती है गाड़ी और चढ़ने के बाद पलटती है और पलटने के बाद पूरा का पूरा इधर का जितने भी जो निवासी है उनका घर है यहाँ पे, घर पे भी गाड़ी चढ़ जाती है। तो तमाम बात जहाँ पे ट्रक पलटा हुआ है डिवाइडर के पास, जिस मकान के पास पलटा हुआ है ट्रक, वही जो हमारे संजय भैया हैं उनके घर के पास ही ये ट्रक पलटा है, काफ़ी इसी घर के पास ये ट्रक पलटता है, ट्रक या कोई भी बलेरो हो गई, चाहे जो भी गाड़ी होती है यहीं पे पलटती है, काफ़ी भयभीत रहते हैं लोग। क्या कुछ कहेंगे संजय भैया इस डिवाइडर के बारे में, ट्रक के बारे में, यही कहेंगे कि इस डिवाइडर को या तो तोड़ के हटाया जाए, नहीं तो इसके आगे ठोकर बनाया जाए।
अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हम लोग इसके लिए धरना पर बैठेंगे, यहाँ धरना देंगे और धरना दे करके इसको तोड़वाएंगे, इस डिवाइडर को, काहे कि इसे बहुत क्षति हो रहा है और हम ही लोगों को नहीं, जो भी गाड़ी वाले हैं उनको भी बहुत क्षति हो रहा है। अभी तक भगवान की कृपा से यहाँ कोई मतलब कि अप्रिय घटना नहीं घटा है, यही मतलब कि सही है, लेकिन अगर कोई अप्रिय घटना घट जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? वाकई आप लोग देख रहे हैं कि ये घटना महीना नहीं बीतता है, सप्ताह भी नहीं बीतता है जब एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट इतना घातक होती है, इतनी भयंकर होती है, जो डिवाइडर पर चढ़कर पलटने का, अगर उसके सामने कोई अगर मिल जाए तो वो दबा कर मर जाएगा। और इस डिवाइडर को या तो हटाया जाए, यहाँ के ग्राम और वासियों का कहना है, और ये भी कहना है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी ये लोग कर सकते हैं अगर इस डिवाइडर का नहीं हटाया गया। ड्राइवर जो इस ट्रक का ड्राइवर है, कैसे हो गई थी घटना? ये घटना हुई जो रोड पे जो सफ़ेद पट्टी लगी हुई है, रात में बारिश का मौसम था, हल्का फुल्का हम लोग आ रहे थे, तो जो भाई जो भी रोड पे पट्टी लगी है उसी के आधार से ड्राइवर चलते हैं जी। और आते आते जो डिवाइडर है, नहीं तो आगे ब्रेकर बांधा जाए 200 मीटर पे, इसको ब्रेकर बांधने से कोई भी सावधान हो जाएगा। और मान रहे हैं कि किसी की भी गाड़ी पलट गई, कोई आदमी दब गया, इनके घर पे आ गई, तो कोई कुछ भी क्षति हो सकती है। अच्छा ये बताइए कितने बजे की घटना है? 1:35 की है। 1:35 की है। आप कहाँ से गाड़ी को ला रहे थे? ले आ रहे हैं यूपी से। यूपी से? बलिया से। तो यूपी से आप गाड़ी ला रहे थे तो आराम नहीं किए थे बीच में? अरे तो कितनी दूर है, माझी रुके थे, माझी के बाद छपरा रुके थे। कितने बजे गाड़ी आपने चालू किया यहाँ पे? लमसम 10 बजे। 10 बजे? 10 बजे से लगातार नहीं, आकर छपरा बाईपास में हम खड़ा हुए जब ये मलमलिया वाला रोड धरे। लगातार कितने देर तक गाड़ी चलाया? लगातार हम गाड़ी चलाए हैं मुश्किल से तीन घंटा लमसम। 3 घंटे? हाँ। कम से कम थोड़ा रेस्ट करके भी चलाए कीजिए, क्योंकि ना लगातार नहीं चलाए हैं, लगातार नहीं चलाए हैं, दिन है और बारिश भी चल रहा है, तो कम से कम 8 बजे से तो 9 बजे से हम चले अपने बलिया से। आप अकेले थे? नहीं, 2 आदमी थे। तो उनको कुछ हुआ है? नहीं, उनको भी हल्का फुल्का घाव लगा है, जख है। अच्छा। बैटरी है, मारने को तो है, जो कोई नीचे दब गया। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो डिवाइडर बना हुआ है, हाँ, अच्छे से नहीं बना, नहीं, हुआ, जो उल्टा बना हुआ, निशान लगाया जाता है, हाँ, सफेद वाला अच्छे से नहीं, 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 जो निशान के अंदर है जी, जो निशान दाहिने ड्राइवर आता है, ये डिवाइडर बाएं है। वाकई जो निशान बना हुआ है सीधा सीधा बना हुआ है, किसी भी अगर ड्राइवर जो देखेगा सीधा गाड़ी लेकर आएगा और सीधा डिवाइडर पे वो चढ़ा देगा और गाड़ी पलटेगा ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और देख सकते हैं कि किस तरह अभी बारिश चालू हो गई है और बारिश में देख सकते हैं कि ये अगर गाड़ी पलटता है और पलटने के समय में अगर कोई उस समय वहाँ पर रहता तो काफ़ी नुकसान हो सकती थी, किसी की मौत हो सकती थी इसमें। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी बातों को रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि ये डिवाइडर को हटाया जाए, अर्दिया मोड़ का ये जितने भी निवासी लोग हैं वो भयभीत रहते हैं और काफ़ी परेशानियों को इन लोगों को झेलना पड़ता है, कोई भी डर डर के ही रहता है यहाँ। जब से डिवाइडर बना हुआ है, इस डिवाइडर से आने वाली जितने भी गाड़ी आती है एक्सीडेंट बराबर होते रहता है, बराबर होते रहता है। दोनों बगल में दाहिने बाएं घर है, घर के अगल बगल में लोग सोए रहते हैं, ना जाने कब खतरा हो जाए, इसके चिंता में घर वाले लोग रहते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन और अधिकारियों से मेरा आग्रह विनती है, इस डिवाइडर को हटा दिया जाए। जी जी, खतरा से पहले डिवाइडर नहीं बना हुआ था तो एक भी खतरा नहीं होता था। नहीं, थैंक यू। वाकई आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस डिवाइडर को हटाना चाहिए, वाकई इस डिवाइडर को हटा देना चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट होते जा रहा है। और ग्राम के लोग हैं यहाँ पे, निवासी जो लोग हैं, अगल बगल जितने भी लोग हैं भयभीत रह रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी मतलब बलेरो से जिस तरह से घटना प्रभु जी हुई जी, थी, जी, जी, आप बता सकते हैं कि मतलब कितने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है उस समय? जिस समय टमाटर लदा हुआ गाड़ी यहाँ आया, डिवाइडर में इतना जोरदार
तक्कड़ हुआ जिसमें ड्राइवर को हम लोग जान बचाने के लिए दौड़ कराए और ड्राइवर को खींच खाँच निकाले, जो भी शीशा वीशा तोड़ ताड़ कर निकाला गया। अगल बगल में जो घर वाले लोग चिल्लाने लगे बहुत चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद लोग मैंने अपना देखे जो भाई हमारा कोई जाल माल चाहे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बाकी यहाँ के पब्लिकों का द्वारे बचाया गया, उस ड्राइवर खलासी को बचा कर सबको सुरक्षित जगह पहुँचा दिया गया। इस डिवाइडर से इतना ना आए दिन मैंने घटना घट रहा है जी, यहाँ के लोग परेशान हैं। अगर इस डिवाइडर को नहीं हटाया गया सही ढंग से बनाया होता और आगे बढ़ाकर ब्रेकर बनाया होता तो पहले गाड़ी सोलो हो जाती जी, उसके बाद गाड़ी सोलो होती तो डिवाइडर में टकराने के कोई चांस नहीं बनती। डिवाइडर के पास नहीं लाइट है, नहीं यहाँ कोई व्यवस्था है, डिवाइडर दिखाई नहीं देता है दूरी से और गाड़ियों वाले जी गाड़ी आकर डिवाइडर में टकरा जा रही है। अब डिवाइडर के लिए पुलिस प्रशासन और यहाँ के जनता लोग से सब लोग से आग्रह विनती है इसको डिवाइडर के हटाया जाए और नहीं तो डिवाइडर को कोई व्यवस्था कराया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए जो मार्केट में खतरा से बचे। यही मांग करेंगे प्रशासन से, वीडियो साहब से, सीओ साहब से कि कृपया या तो डिवाइडर हटा दिया जाए और नहीं तो थोड़ा आगे चलकर स्पीड ब्रेकर का स्पीड ब्रेकर जो होता है उसका आप लोग निर्माण करें, क्योंकि स्पीड ब्रेकर अगर हो जाएगा तो जो भी ड्राइवर आ रहा है उसको समझ में आएगा कि हाँ स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी स्लो करेगा तो उसको स्पीड डिवाइडर दिखेगा, जब डिवाइडर दिखेगा तो वो गाड़ी स्लो करके आएगा, नहीं तो महीना में यहाँ 2-3 बार गाड़ी पलट जा रहा है। और ये मतलब हम लोगों का भगवान मतलब बचा रहा है, भगवान बचा रहे हैं कि रात में ये दुर्घटना घट रहा है, अगर दिन में अगर ये मतलब ऐसा कांड होता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकता है, मतलब ये बहुत मृत्यु हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रोड मतलब चालू रोड है। इसलिए हम मतलब यही मांग करेंगे या तो आगे स्पीड ब्रेकर बने या तो डिवाइडर कृपया हटा दिया जाए। सभी लोगों का है यही मांग है कि इस डिवाइडर को हटाया जाए, क्योंकि इस डिवाइडर से काफ़ी गाड़ियां जो है उस डिवाइडर पर चढ़कर पलट जा रही है। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि ये वीडियो आगे तक जाए और इस डिवाइडर को हटाया जाए, अन्यथा अगर नहीं हटाया जाए तो इसको आगे की तरफ ब्रेकर जो होता है स्पीड ब्रेकर उसको लगाया जाए।